हरे कृष्णा, मैं नवनीत व्यास एस्ट्रो चैनल में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। जस्ट वेटिंग फॉर माय व्यूअर्स टू कनेक्ट टू मी। और फिर से पूरे 12:15 बजे, 12:15 पे मैं लाइव हूँ, और 1 या 2 मिनट लगते हैं। सो काइंडली बेयर विद मी बिकॉज देन ऑल माय स्टूडेंट्स आर विद मी, दे कम ऑनलाइन। बस वही एक छोटा सा इंतज़ार रहता है कि सब एक बार ऑनलाइन आ जाएं। मयंक चौबे जी जो है मेरे साथ जुड़ गए हैं इस समय, उनका बहुत बहुत स्वागत। नीरज जी जुड़ गए हैं घाना से, हरे कृष्णा, कैसे हैं आप? बहुत बहुत स्वागत आपका। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो अनदर 1 मिनट बिकॉज ऑलमोस्ट एवरी वन इज प्रिटी डिसिप्लिन्ड। सब बहुत जल्दी आ जाते हैं, सही समय पे आ जाते हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सबका। अजीत बग्गा जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। रामजीत सोनी जी जुड़ गई हैं, हरे कृष्णा, बहुत बहुत स्वागत आपका। नीरू बुआ जुड़ गए हैं मेरठ से, बहुत बहुत स्वागत। खुश रहिए, आयुष्मान भव। रमजीत सोनी जी, मैम चौबे जी बोल रहे हैं हैप्पी राम नवमी। आप सबको बहुत बहुत राम नवमी की बहुत बहुत बधाई। भगवान राम आपके जीवन में सुख समृद्धि लेकर आए। भगवान राम आपके परिवार के ऊपर सुख समृद्धि बनाए रखें, आप सब सुखी हों। सोनू जी जुड़ गए हैं, हरे कृष्णा, बहुत बहुत स्वागत आपका। रमन कुमार जी जुड़ गए हैं, कह रहे हैं जय हो, आपकी भी जय हो, सबकी जय हो इस दुनिया में। पंकज अग्रवाल भैया जुड़ गए हैं, हरे कृष्णा। पंकज भैया बहुत बहुत स्वागत आपका। आशीष ढींगरा जी एस्ट्रोलॉजर हैं, महावास्तु एक्सपर्ट हैं, ये हमारे साथ जुड़ गए हैं। राधे राधे भैया, कैसे हैं आप? गौरव मित्तल जी जुड़ गए हैं, जय श्री राम। मित्तल साहब बहुत बहुत स्वागत आपका। तो आज का हम सेशन जो है शुरू करने लगे हैं। मेरे से एक मेरे स्टूडेंट हैं, उन्होंने एक सवाल पूछा था कि सर आप पूरे 12:15 बजे, 12:15 पे क्यों जो है अपना सेशन शुरू करते हैं? 12 बजे क्यों नहीं करते या 12:30 बजे क्यों नहीं करते, इसका रीजन क्या है? सो आज मैं थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी का ज्ञान दूंगा बिफोर कमिंग टू द टॉपिक जो मैंने कल प्रॉमिस किया है आपको। देखिए 12:15 जो न्यूमरोलॉजी है ये अंकों का खेल है, जैसा हमारा एस्ट्रोलॉजी है। एस्ट्रोलॉजी की एक छोटी सी ब्रांच है न्यूमरोलॉजी। तो उसमें आज 12:15 की सिग्निफिकेंस जो मैं आपको समझाऊंगा, क्यों मैंने ये 12:15 का टाइम रखा है क्लास के लिए। कौशिक बैनर्जी ने मेरे से ये सवाल पूछा था। चरणजीत जी जुड़ गए हैं, हरे कृष्णा। राहुल मिनोचा, हरे कृष्णा जी। रीना दीदी जुड़ गए हैं, हरे कृष्णा। राम शर्मा जुड़ गए हैं, हरे कृष्णा। तो 12:15 का सिग्निफिकेंस क्या है? जब भी हम न्यूमरोलॉजी को काउंट करते हैं, हम नंबर्स को ऐड करते हैं। सो लेट्स ऐड दीज नंबर्स, 1 + 2 + 1 + 5 इज इक्वल टू हाउ मच? 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 + 5 इज 9। सो व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू? वी आर ट्राइंग टू डू दी स्टडी ऑफ 9 प्लैनेट्स, राइट? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, 12:15 में जो आपका 9वां घर होता है वो किसका स्थान होता है? गुरु का स्थान होता है, भाग्य का स्थान होता है। तो जो 9 नंबर की कैलकुलेशन है वो आपको भाग्य देने के लिए, आपको गुरु देने के लिए, और 9 प्लैनेट्स की जो
श्रृंखला है उसको सीखने के लिए ये मैंने 12:15 का टाइम लिया, क्योंकि मैं खोज रहा था वो टाइम जो ब्रेकफास्ट के बाद हो और लंच से पहले हो लेकिन वो ऑस्पिशियस हो। तो इसलिए मैंने ये 12:15 का टाइम चुना था। तो आप लोगों को जो है बताना चाहता था, समझाना चाहता था। ममता दीदी जुड़ गई हैं मुंबई से हमारे साथ। ममता दीदी रेकी हीलर हैं और मुंबई में अपने कार्यभार को संभाल रही हैं। तो ममता जी आपका बहुत बहुत स्वागत। तो ये मेरा एक लॉजिक था। अब इसी लॉजिक के साथ एक और छोटा सा लॉजिक है जो मैं समझाए बिना आपके साथ रह नहीं पा रहा हूं। देखिए, इस पूरे की पूरी कुंडली में जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितने भी नक्षत्र हैं, वो सारे प्रभु का नाम जपने से, माला करने से ठीक हो जाते हैं। आओ इस चीज को प्रूव करें कैसे। आप में से मुझे कोई बताएगा यहां पर टाइप करके कि एक माला में कितने मणके होते हैं। जब हम जिस माला का हम नाम जपते हैं, जिस माला के ऊपर, चाहे वो तुलसी की माला हो, चाहे नीम की माला हो, चाहे वो रुद्राक्ष की माला हो, चाहे स्फटिक की माला हो, तो कितने मणके जो होते हैं एक माला के अंदर होते हैं। बहुत सिंपल सवाल है ये। जैसे मैंने एक माला डाल रखी है, इस तरह की जो माला की मैं बात कर रहा हूं कि इस माला में कितने मणके होते हैं, तो कोई मुझे बताए। शिव शर्मा जी जुड़ गए हैं। हरे कृष्णा शिव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। सो कौन मुझे बताएगा कि एक माला के अंदर कितने मणके होते हैं। नितिका नरूला चितकारा जी जुड़ गई हैं मेरे साथ। ये मेरी अर्धांगिनी है और मैं बहुत बहुत इनका स्वागत करता हूँ। मेरे सक्सेसफुल एस्ट्रोलॉजिकल करियर के पीछे इनका बहुत बड़ा रोल है और इन्होंने पूरा घर और मेरा ऑफिस, मैं एक इंस्टीट्यूट होटल मैनेजमेंट का भी चलाता हूँ, वो सारा कार्य इन्होंने संभाल रखा है और ये रीढ़ की हड्डी की तरह काम कर रही हैं। शायद अगर ये मेरे जीवन में ना होती तो मैं इस मुकाम तक अपने लाइफ में कभी ना पहुंच सकता, एंड आई मीन इट। तो नितिका जी, रमन कुमार जी कह रहे हैं 108, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब दिया, 108 है। और 108 को अगर हम ऐड करें तो क्या निकलता है, नंबर 9, राइट। सो 9 नंबर निकलता है, भाग्य उदय हो जाता है माला करने से, और 9 के 9 प्लैनेट्स जो हैं वो शांत हो जाते हैं, जो बुरे प्लैनेट्स हैं वो अच्छा रिजल्ट देने लगते हैं, राइट। तो ये एक बहुत बहुत एक अच्छा योग है कि अगर 108 माला के अंदर 108 मणके क्यों रखे गए, राइट। अजीत जी कह रहे हैं 108 9 प्लैनेट्स को शांत करने के लिए, 9 के 9 प्लैनेट्स जो एक इंसान की कुंडली में होते हैं उसको शांत करने के लिए 108 मणके जो है वो माला में रखे गए कि उसके ऊपर राम राम कहा जाए, ओम नमः शिवाय कहा जाए, 9 के 9 प्लैनेट्स जो है उससे शांत हो जाते हैं। एक लॉजिक और आपको देता हूं, इस कुंडली के अंदर कितने घर होते हैं, 12 घर। अब प्लैनेट्स तो हमने सेटिस्फाई कर लिए, राइट, कि 9 के 9 प्लैनेट सेटिस्फाई हो गए एक माला करने से। वो कहते हैं रुको, हम आपको ये भी प्रूव करेंगे कि 12 के 12 घर भी सेटिस्फाइड हो जाते हैं, राइट। सो 12 घर इनटू 9 प्लैनेट्स इज अगेन हाउ मच, 108, एंड 108 इज इक्वल टू 9 अगेन। सो भगवान कृष्ण विष्णु जी कहते हैं कि 12 घरों को और 9 प्लैनेट्स को मैं शांत कर दूंगा अगर कोई मेरी एक माला करेगा। एक माला क्या है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। सो यहां पर जो एक माला है, मतलब 12 घर, 12 के चाहे प्लैनेट्स अच्छे बैठे हो लेकिन कोई घर खराब हो किसी प्लैनेटरी कंजंक्शन की वजह से, तो भी माला करने से वो ठीक हो जाते हैं, राइट। पायल दीदी कह रहे हैं हरे कृष्णा दीदी कैसे हैं आप। तो यहां पर एक ये भी एक रोल निकल के आता है। अब आपको एक चीज और बताऊं, कितने नक्षत्र होते हैं, कोई मुझे बताएगा अगर
एस्ट्रोलॉजी के साथ कोई जुड़ा हुआ है तो वो मुझे बता सकता है कि हमारी ब्रह्मांड के अंदर कुंडली के अंदर कितने नक्षत्र होते हैं, राइट? तो मुझे कोई बताएगा, मैं आशीष ढींगरा जी से ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि आशीष जी मुझे बताएंगे कि कितने नक्षत्र होते हैं। अगर ऋचा लूथरा जी जुड़ गई हैं, ममता दीदी आप भी रेकी हीलर एस्ट्रोलॉजर हैं, आप मुझे बताएं कि कितने नक्षत्र होते हैं एक कुंडली के अंदर। गैबी गौतम जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, गैबी जी इतने अच्छे गायक हैं, सिंगर हैं, और इन्होंने टी सीरीज के ऊपर अपनी वीडियोस निकाली हैं। मैं इस चेयर पर बैठ के झूठ नहीं बोलता, इनकी आवाज में इतना दम है कि ये एक दिन बहुत बड़े मुकाम पे अपनी जिंदगी में पहुंचेंगे। बहुत बहुत स्वागत गैबी गौतम जी आपका, और मैं चाहता हूं कि एक दिन आप उस लेवल पे पहुंचे जिस लेवल पे बहुत बड़े बड़े गायक जो है पंजाब के पहुंच गए हैं, और आप में 100% कैपेबिलिटी है वहां तक पहुंचने की, और आपकी कुंडली भी बहुत अच्छी है। तो आशीष ढींगरा जी कह रहे हैं 27, बिल्कुल सही जवाब आशीष ढींगरा जी आपने दिया। ऋचा लूथरा जी जुड़ गई हैं, ऋचा लूथरा जी को मैं चरण वंदना करता हूँ, राइट? बहुत बहुत अच्छा जो ज्ञान ऋचा लूथरा जी बांट रही हैं एस्ट्रोलॉजी का, और रिसर्च भी बहुत अच्छी कर रही हैं, तो चरण वंदना दीदी आपको। और वाइफ ऑफ मून 27, एब्सोल्युटली रमन कुमार जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, 27 नक्षत्र होते हैं, राइट? और दिशाएं कितनी होती हैं, दिशाएं नॉर्थ साउथ वेस्ट एंड ईस्ट, चार बेसिक दिशाएं होती हैं, लेकिन वैसे 10 दिशाएं बोली गई हैं। जब हम हवन यज्ञ करते हैं तो 10ों दिशाओं का वर्णन होता है, लेकिन जो बेसिक दिशाएं हैं वो कितनी है, चार, और नक्षत्र कितने हैं, 27। तो जरा यहां पर लिखें 27 नक्षत्र है, ओके, हाँ, और चार दिशाएं हैं, कितना बना, 108। 27 फोर जा कितना होता है, हाँ, 108 होता है ना, राइट? सो 27 × 4, 27 नक्षत्र और चारों दिशाएं अगर शांत करनी है तो भी एक माला कर लीजिए आप। 27 के 27 नक्षत्र, 12 के 12 घर, 9 के 9 प्लेनेट सारे शांत हो जाएंगे एक माला करने से। उस प्रभु ने ऑपर्चुनिटी दी है ये सब करने की, लेकिन हम करते नहीं है, इसका सम भी निकलेगा 9, ठीक है? तो ये बात थी। फिर मैं इस्कॉन गया, इस्कॉन को फॉलो करता हूं कभी, और मुझे वहां पर सबने बोला, मेरे बड़े अच्छे एक मित्र हैं गोविंद कृष्ण दास, बहुत अच्छी वीडियोस उनकी आ रही हैं, पॉप स्टार हैं, रॉक स्टार हैं, और इस्कॉन के साथ जुड़े हुए साक्षी गोपाल जी के पुत्र हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि नवनीत आप 16 माला करा करो रोज, 16 माला। तो मैं घर पे आ गया, क्योंकि मैंने उनसे सवाल नहीं किया कि 16 माला क्यों, लेकिन मैं घर आया और घर आकर मैंने फिर रिसर्च करनी शुरू कर दी, क्योंकि मेरा जीवन तो नंबर्स पे ही है, सारा दिन नंबर्स और उसमें कैलकुलेट करता हूं। तो मैंने एक दिन 16 माला की, 16 माला जो है 16 माला 108 की, टोटल बने 1728। ये 2728 बार मैंने कहा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और जब मैंने इनको टोटल किया तो ये बना 18, और 18 को फर्दर टोटल किया तो बना 9, 9 अगेन। तो मुझे क्या क्या मुझे लगा कि अरे मुझे अब समझ में आया कि वो मुझे क्यों कह रहे थे कि आप 16 माला करें। वो 16 माला इसलिए कह रहे थे कि वो चाहते थे कि 9 के 9 प्लैनेट्स मेरे जो हैं वो शांत हो जाएं। सारे लॉजिक यहीं पर आके निकलते हैं। कोई भी फॉर्मूला आप अपने जीवन में अप्लाई कर लीजिए, चाहे वो 27 नक्षत्र हो, चाहे वो 12 घर हो, चाहे वो 9 प्लैनेट्स हो, चाहे समय की बात करूं जिस समय पे मैं आता हूं, चाहे जो इस्कॉन के प्रभुपाद जी कहते थे कि आप 16 माला करें, तो 16 माला का लॉजिक भी यही है, 16 × 108 1728, क्योंकि मैं काउंटर पे
करता हूँ, कभी कभी माला पे यूज नहीं करता तो काउंटर वॉक पे जाता हूँ, रनिंग पे जाता हूँ तो काउंटर यूज करता हूँ, तो काउंटर को 1728 पे जाके रोकता हूँ। इसलिए काउंट करके जब हम पूजा पाठ करते हैं तो उसका भी फल मिलता है। भगवान ने कहा है, साईं अपने नाम को रीझ बजो चाहे खीझ, धरती पड़े तो उपजेंगे उल्टे सीधे बीज। चाहे आप जैसे मर्जी हंस के, रो कर, परेशान होकर, फ्रस्ट्रेशन में, उस भगवान का अगर आप नाम लेंगे तो धरती पे जो बीज गिरे हैं उनमें से तो पौधा निकलेगा ही निकलेगा, आपको फल मिलेगा ही मिलेगा। चाहे राम राम कहो, चाहे मरा मरा कहो, आपको रिजल्ट तो जीवन में मिलेगा ही मिलेगा। सो यहां से, इस छोटे से लेक्चर से हम शुरुआत करते हैं। सर, इट इज माला और 108 इंपॉर्टेंट, बोथ आर इंपॉर्टेंट, राइट? एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो परमात्मा का नाम है मयंक जी। और कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। ये कैलकुलेशंस तो हम एस्ट्रोलॉजर्स हैं तो हम करते हैं लॉजिक ढूंढने के लिए, लेकिन सबसे बड़ा, राम से भी बड़ा राम का नाम है, राइट? अगर आप राम को बड़ा समझते हैं तो नहीं, राम से भी बड़ा उनका नाम है, राइट? सो ये एक चीज मैं आपको समझाना चाहूंगा। प्रियंका जी कह रही है वेरी नाइस इंफॉर्मेशन। और अभी एक आशीष ढिंगरा जी ने लॉजिक निकाला है, कहते हैं अगर आप चार माला से भी अपना जीवन शुरू करते हो, 4 × 108 इज इक्वल टू 432, और अगर हम इनको भी ऐड करते हैं तो 9 निकलता है। देखिए, इसीलिए इस्कॉन में ये भी कहा जाता है कि चार से शुरू करें, कि चार माला एटलीस्ट करें, उसका लॉजिक भी 9 ही है। देखिए, इट्स ऑल मैथमेटिक्स। और आपको सुनकर, जानकर आज आपको माला का और माला के मणकों का असली मतलब आपको पता होगा। जितने भी ऋषि हुए हैं वो सब माला करते थे। माला की इन्वेंशन हुई थी, वो क्यों हुई थी? आपके ग्रहों को, आपके नक्षत्रों को और आपके घरों को शांत करने के लिए, राइट? सिग्निफाइज कंप्लीशन। अलका दीदी कह रही है 9 नंबर कंप्लीशन, 9 नंबर भाग्य का भी है, कंप्लीशन का भी है। जो 9 नंबर है वो गुरु का स्थान भी है। तो ये सारी की सारी चीजें 9 नंबर सिग्निफाई करते हैं। एक कुंडली में जो 9वां घर होता है वो भाग्य स्थान होता है। तो यहां से हमें ये भी पता लगता है कि माला करने वालों का भाग्य अपने जीवन में उदय हो जाता है बहुत जल्दी, राइट? सो अब यहां से करते हैं। नीरज दीदी कह, नीरबुआ कह रहे हैं विद लॉजिक, थैंक यू दीदी, 9 मींस कंप्लीशन, ब्यूटीफुली एक्सप्लेन, थैंक यू वेरी मच। तो विद लॉजिक मेरा हमेशा कोशिश रहती है कि मैं सारी चीजें जो है वो विद लॉजिक ही समझाऊं। और क्योंकि आजकल जो जमाना है, जब तक कि आप कोई चीजें प्रूव ना करो कोई मानता नहीं है निरुगुआ इतनी जल्दी। तो उस चीज को मानने के लिए हमें लॉजिक ढूंढने पड़ते हैं बुआ। तो वो जो है हमें करना पड़ता है कि हम लॉजिक दें, और जब लॉजिक पता लगता है तो वही जो चीज है उसको लोग जो है वो करने लग जाते हैं। और इसमें कोई भी दो राय नहीं है, कोई वो नहीं है। साईं का नाम है, जैसे मर्जी बच सकते हैं, लेकिन लोग जो है वो हमसे लॉजिक एक्सपेक्ट करते हैं। वो चाहते हैं कि नवनीत हमें लॉजिकली बताएं। अगर नवनीत ये भी कहता है कि ये उपाय करो, तो बहुत से मेरे क्लाइंट्स हैं जो मेरे से लॉजिक मांगते हैं और मैं उनको लॉजिक देता हूं, और वो चाहे खींच के करें चाहे रीझ से करें, परमात्मा की दया से उनको रिजल्ट मिलता है। और वो किसी और की किस्मत नहीं, मेरी किस्मत है, क्योंकि मेरा समय अच्छा है। मेरा समय जब अच्छा होता है परमात्मा ब्लेस करता है आके और सेवा करने का मौका देता है। समय वही अच्छा है जिसमें आपको सेवा करने का मौका मिले, करवाने का नहीं। तो उस परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है मेरा, जो मुझे आप लोगों के समक्ष लाकर सेवा करने की ऑपर्चुनिटी देता है। मैं आप लोगों की सेवा कर सकता हूं, और आज के बाद आप मुझे अपना गुरु और अपना दास दोनों भी समझिएगा। मैं आपका गुरु भी हूं और आप लोगों का दास भी हूं। ब्यूटिफुल। ऋचा लूथरा जी कह रही है कि ऑल नक्षत्रास हैव टोटल 108 पदास एंड माला हैज 80। ब्यूटिफुल, क्या लॉजिक निकाला है ऋचा लूथरा जी ने। वो कह रही है कि 27 नक्षत्र होते हैं, उनके चार पदा होते हैं, हर एक
जो नक्षत्र उसके चार पदा होते हैं, नीरज जी भी घारासी के बारे में बात कर रहे थे, तो चारों के चारों जो पदा हैं वो भी शांत हो जाते हैं 108 माला करने से। बहुत ही डीप लॉजिक ऋचा लूथरा जी ने निकाला है, क्योंकि यही बात मुझे ऋचा लूथरा जी की बहुत पसंद है कि मिसेस लूथरा हमेशा एक ऐसा लॉजिक लेके आती हैं जो बहुत ज्यादा डीप होता है, बहुत ज्यादा इन डेप्थ होता है। तो ये बहुत अच्छा लॉजिक मिसेस लूथरा ने यहां पर निकाला है। तो अब हम समय ना वेस्ट करते हुए जो है हम आगे बढ़ेंगे। नीरज जी कह रहे हैं यू आर गुरु, जय गुरुदेव। देखिए ये आपका, नीरज जी आपका बड़प्पन है राइट, कि आप मुझे गुरु की उपाधि दे रहे हैं, लेकिन ये आप लोगों का प्यार है जो मुझे इस लेवल पर लेकर आता है। ये आपका बड़प्पन है, मेरे पास वर्ड्स नहीं है, और इसीलिए आप मुझे ये उपाधि दे रहे हैं, लेकिन मेरे में क्षमता है या नहीं वो परमात्मा जानता होगा, लेकिन ये आपका बड़प्पन है भैया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अब हम बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे, हम आगे आज का टॉपिक अब स्टार्ट करते हैं। तो इस समय जो है कौशिक बैनर्जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कौशिक भैया आपका मैंने जवाब दिया आपके क्वेश्चन का, आप लेट आए हैं, इसलिए जब ये वीडियो एंड हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा, तो पहले जो 5, 7, 10 मिनट है उसमें आपको आपका जवाब मिल गया है। आपके क्वेश्चन का मैंने जवाब दिया है, आपके लिए जवाब दिया था। तो आज हम बात करेंगे वृषभ लग्न के कुंडली की। अगर फर्स्ट हाउस में, देखो मैंने एक चीज और की आप लोगों के लिए, हाउसेस फिक्स होते हैं तो इसलिए मैंने रेड कलर के मार्कर से यहां पे लिख दिया फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, लेकिन जो राशियां हैं वो मूव करती हैं। तो राशियों में जब मूव करते हैं तो जब दो नंबर की राशि वृषभ राशि, यहां पर मैंने राशियों के नंबरों के साथ उनके जो लॉर्ड हैं, जैसे एक नंबर राशि के लॉर्ड मंगल होते हैं, दो नंबर के जो है शुक्र होते हैं, तीन नंबर के बुध होते हैं, चार नंबर के जो लॉर्ड है वो चंद्रमा होते हैं, पांच के सूर्य, छह के बुध, सात के शुक्र, आठ के मंगल, नौ के गुरु, 10 के शनि, 11 के शनि और 12 के गुरु, सारे लिख दिए हैं सो दैट आपको इजी रहे जब मैं आपको यहां पर एक्सप्लेन करूं। तो वृषभ लगन है, कल मेष लगन के अंदर भी हमने ये जाना था कि गुड प्लैनेट्स कौन से थे और बैड प्लैनेट्स कौन से थे मेष लगन के अंदर। सो मेष के स्वामी मंगल, उनके जो बेस्ट फ्रेंड्स थे कौन कौन से बेस्ट फ्रेंड, चंद्रमा थे, सूर्यदेव थे, और इनको उन्होंने बहुत अच्छी पोजीशन दी थी राइट, बृहस्पति थे। सो तीन प्लैनेट्स थे जो गुड थे मेष लगन के अंदर, वो कौन कौन से थे, मंगल खुद, बृहस्पति देव, सूर्यदेव और चंद्रमा, और शनिदेव न्यूट्रल थे, सम थे, और जो प्लैनेट्स बुरा कर रहे थे वहां पे जिनको गंदे डिपार्टमेंट मिले हुए थे, मुश्किल वाले डिपार्टमेंट मिले हुए थे, वो थे बुधदेव, क्योंकि उनको तीसरा और छठा डिपार्टमेंट मिला था, शुक्रदेव उनको दूसरा घर का और सातवें घर का डिपार्टमेंट दिया गया था, और शनिदेव को वहां पर जो है एक सम डिपार्टमेंट, केंद्र का एक घर, 10 नंबर और 11 नंबर शनिदेव को मेष राशि या मेष लगन के कुंडली के अंदर दिया गया था राइट। अब आप एक चीज बात ये बात याद रखिएगा कि जो गुड प्लैनेट्स हैं इसका ये मतलब नहीं है कि हमेशा वो मेष लगन की कुंडली के अंदर गुड ही करेंगे। अगर उनमें से एक भी प्लैनेट और उसकी दशा अंतर दशा चल रही हो और उसकी पोजीशन अच्छी ना हो, या वो अस्त हो, या वो 0 डिग्री या 29 डिग्री पे हो, या वो प्लैनेट जो है रेट्रोग्रेड हो, वो मैं आपको बताऊंगा कि वक्री क्या होता है, या वो प्लैनेट गलत घर में किसी गलत प्लैनेट के साथ जो है क्रूर प्लैनेट के साथ कंजंक्ट हो, तो वो अकेला प्लैनेट और उस प्लैनेट की दशा आपका सत्यानाश करने के लिए काफी है। तो आप गुड प्लैनेट्स को हमेशा गुड ना समझें और बैड प्लैनेट्स को हमेशा बैड ना समझें। अगर कहीं बैड प्लैनेट जो है वो अच्छी पोजीशन पे विराजमान है, उसके ऊपर एक अच्छे प्लैनेट की दृष्टि है, तो वो भी आपका भला कर सकता है कुंडली के अंदर, परंतु आपको आइडेंटिफाई करना कि ओपोजिशन कौन सी है और सरकार कौन सी है ये बहुत जरूरी है। कभी कभी आपका जीवन में
गवर्नमेंट से, सरकार से काम नहीं होता है, वही काम ऑपोजिशन जो है वो आपका कार्य करवा देती है। सो वन फॉर्मूला डज नॉट अप्लाई एवरीवेयर, ये चीज आप हमेशा याद रखिएगा। मैंने लुधियाना में एक बहुत ही उच्च लेवल के डॉक्टर की कुंडली देखी और उनका मेष लगन था और मेष लगन में उन्होंने नीलम धारण किया हुआ था। तो लोग कहते हैं कि मंगल जो है वो उसके तो अति दुश्मन है शनिदेव, और मंगल जिस कुंडली के स्वामी हो वो नीलम कैसे धारण कर सकते हैं। तो वो एक चीज है जो मैं आपको बाद में समझाऊंगा, क्योंकि उनके शनि की जो पोजीशन थी उनकी कुंडली में भाग्य में थी और इतनी शानदार पोजीशन थी, गुरु के घर में बैठे थे वो। और वहां पर जितने भी पुराने एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जो ऑर्थोडॉक्स एस्ट्रोलॉजर जिन्होंने अपने किसी गुरु से, अपने पिता से सीखा है और ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं किया है, वो तो देखते ही कह देंगे कि मेष लगन की कुंडली में कभी नीलम नहीं डलता, कभी नीलम नहीं धारण करना चाहिए। और उन डॉक्टर ने अकेले ही हजारों करोड़ के हॉस्पिटल जो है पूरे लुधियाना के अंदर उन्होंने एक लेवल पे खड़ा कर दिया, और उनके हाथ में नीलम है और वो मेष लगन है उनका। तो मैंने पहली बार जब मैं अपने बच्चे का थोड़ा इलाज करवाने उनके पास गया, हल्का फुल्का खांसी जुकाम बच्चों को रहता है, तो मैंने देखा कि उन्होंने नीलम डाला हुआ है। तो मुझे लगा इनका तो या तो वृषभ लगन होगा या उनका कन्या लगन होगा, जो शनि के फ्रेंड्स हैं, राइट, जैसे कन्या या शनि का अपना 10 नंबर 11 नंबर लगन होगा, योग कारक शनि होंगे तो डाला है। लेकिन जब उन्होंने मुझे अपनी कुंडली दिखाई तो मैंने देखा इनमें तो मेष लगन है, और मेष लगन में नीलम इतना सूट किया कि वो आज एक टॉप डॉक्टर्स नॉर्थ इंडिया में वो आते हैं। और मैं देखकर हैरान रह गया कि नई एस्ट्रोलॉजी, मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी किस प्रकार बैड प्लैनेट्स या सम प्लैनेट्स, जो न्यूट्रल प्लैनेट्स हैं जिनको घर अच्छे नहीं मिले हैं, वो भी रिजल्ट दे रहे हैं, अगर आप आइडेंटिफाई करें कि किस प्रकार वो रिजल्ट दे सकते हैं। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल है कि जरूरी नहीं है कि आप गुड प्लैनेट्स को ही बहुत अच्छा माने, लेकिन आपको आइडेंटिफाई करना है कि अगर गुड प्लैनेट किसी गुड पोजीशन पे बैठा हो फिर तो क्या बात है, क्या आपके जो है वारे न्यारे हो जाएंगे, आपका जीवन उस लेवल पे, आप मिट्टी को भी हाथ डालेंगे तो वो सोना बनेगा। दो जो जिन डॉक्टर की मैं बात करूं, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत मेहनत की अपनी लाइफ के अंदर, लेकिन उनको सक्सेस मिली क्योंकि बाध्य हो गए थे शनिदेव उनको सक्सेस देने के लिए, उनका हार्डवर्क और उनकी डेडिकेशन देखकर। और इसी प्रकार गीता में भी ये लिखा है कि अगर आप हार्डवर्क करते हैं और थोड़ी सी सपोर्ट चाहे बैड प्लैनेट ही आपको दे दे, तो आप एक हाईएस्ट लेवल पे अपने हठ योग से बिल्कुल वहां पहुंच सकते हैं, क्योंकि उस समय प्लैनेट्स भी आपको ब्लेस करने लग जाते हैं, और जो भाग्य विधाता ने आपके लिए लिखा हुआ होता है आपकी हठ योग से, आपके पूजा पाठ से, उसमें खुद जो परमात्मा है, खुद विष्णु जी आके उसमें ऑल्टरेशंस कर देते हैं, 100% कर सकते हैं, क्योंकि वो डिपार्टमेंट केवल विष्णु जी के पास है। और विष्णु जी जब देखते हैं कि इस इंसान ने मेरे सारे पैरामीटर्स पे बिल्कुल खरा उतर रहा है, बिल्कुल निष्काम हार्डवर्क कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, वेजिटेरियन है, तो 100% आपकी किस्मत जो है बदलती है, आपकी लिखी हुई कुंडली में ऐसे ऐसे योग हमें सामने आने लग जाते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं, दो एवरीथिंग इज फिक्स्ड बट स्टिल यू स्टार्ट गेटिंग रिजल्ट्स, वो एक 100% अजमाई हुई चीज है। तो आगे कह रहे हैं कि अभी अभी काफी हम जुड़ गए थे तो किसी ने कमेंट नहीं किया, आगे बढ़ते हैं। तो वृषभ लगन की कुंडली में जो प्राइम मिनिस्टर बने शुक्रदेव, क्योंकि दो नंबर लगन है यहां पर, शुक्रदेव जो है उनको हाईएस्ट उपाधि मिली है, वो डिसाइड करेंगे कि हम किसको कौन सा घर देंगे। तो हम शुक्रदेव के जो मित्र हैं, देखो आपको जो दूसरा या तीसरा लेक्चर मैंने बताया था जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि कौन से प्लैनेट मित्र हैं और कौन से प्लैनेट जो है जिनकी ओपोजिशन पार्टी है, मतलब जो दुश्मन भी हैं और एक दूसरे को अपोज भी करते हैं, तो वो कैटेगरी थी देव और दानव की। अब जो शुक्रदेव है ये शुक्राचार्य है, गुरु है दानवों के, उनको लगन का डिपार्टमेंट मिला है वृषभ लगन की कुंडली के अंदर, वो लीड करेंगे सारी की सारी कुंडली। तो उनके जो मित्र हैं उनमें से मित्र आते हैं जो प्रैक्टिकल प्लैनेट्स हैं वो है शनिदेव, और उनके जो दूसरे मित्र हैं वो बुधदेव हैं।
तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले अपने इन दो फ्रेंड्स को दो अच्छे डिपार्टमेंट दे दिए। बुधदेव 3 नंबर और 6 नंबर के स्वामी है, ये देखिए 3 नंबर मरकरी और 6 नंबर मरकरी। तो ये रहा बुधदेव का घर और ये रहा बुधदेव का घर। ये दो घर शुक्र ने आते ही बुधदेव को दिए कि बुधदेव ये लो, आओ मेरे आप मित्र हो, पहले मैं आपको अच्छे घर देता हूं। अब शुक्रदेव जो है वो लग्जरी पैसा फिक्स एसेट्स जो होते हैं लाइफ के अंदर, आपके सामने जो अच्छा अच्छा खाना पड़ा होता है, राजसिक सुख जो होते हैं वो सारे सेकंड हाउस से देखे जाते हैं। तो शुक्रदेव को लगा कि सेकंड हाउस बहुत अच्छा होता है, तो उन्होंने सबसे पहले अपने मित्र बुधदेव को सेकंड हाउस की लॉर्डशिप दे दी। अब मैं आपको बार 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 ये कहना चाहूंगा कि जरूरी नहीं है कि बुधदेव सेकंड हाउस में ही विराजमान हो, बुधदेव कहीं पर भी विराजमान हो सकते हैं कुंडली के अंदर। लेकिन जब एक कुंडली बनने लगी, तो वृषभ लग्न की कुंडली बनने लगी, तो शुक्र ने कहा कि मेरे मित्र बुध को सेकंड हाउस का लॉर्ड बनाया जाए। लेकिन कर्मों के अनुसार वो कहां पर विराजमान होंगे, आपको फिक्स एसेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपका पैसा जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, आपकी लाइफ में लग्जरी होगी कि नहीं होगी, ये सारा कुछ बुध की पोजीशन नेटल चार्ट में और बहुत सारे और सब डिविजनल चार्ट्स होते हैं वहां पर देखने से पता लगेगा। क्या बुध की डिग्री अच्छी होगी, क्या बुध में उतना बलाबल होगा कि वो आपको 100% रिजल्ट दे सके, क्या बुध के ऊपर अच्छे ग्रहों की दृष्टि होगी, मैं दृष्टि भी कल आपको समझाऊंगा। अगर वो चीजें कंडीशंस पूरी होंगी तो ऐसे इंसान के पास पैसा शोहरत फिक्स एसेट्स अच्छा अच्छा खाना ये सारी की सारी चीजें उसे मिलेंगी, और साथ में मिलेगा उसको संतान का सुख जो एक परम सुख होता है। तो संतान का सुख मिलेगा उसको, लव रोमांस, यहां पर ये जो स्टमक होता है, जो आपका पेट होता है वो भी 5th हाउस से देखते हैं आप, तो उसको स्टमक की प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, जो 90% कलयुग में लोगों को है कि स्टमक जरूर अपसेट रहता है क्योंकि हमारा खान पान जो है खराब है। तो अगर वृषभ लग्न की कुंडली में अगर बुध अच्छे हैं तो ऐसे लोगों को कभी भी स्टमक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उनकी जो पाचन शक्ति है वो बहुत बहुत अच्छी होगी। कौशिक कह रहे हैं टॉरस राइजिंग इटसेल्फ इज वेरी लेजी ह्यूमन बीइंग जनरली, इट्स जनरेटेड। नो नो नो, बिल्कुल गलत कह रहे हैं कौशिक जी। जो वृषभ लग्न के लोग हैं वो बिल्कुल लेजी नहीं होते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपके शुक्र की पोजीशन कहां पर है और वो किस नक्षत्र में है और वो नक्षत्र के लॉर्ड कहां पर बैठे हैं, और उस शुक्र की पोजीशन बाकी प्लैनेट्स बाकी जो सब डिविजनल चार्ट्स हैं उनमें कैसी है, क्योंकि छठे भाव को डायसेक्ट करके भी एक चार्ट बनाया जाता है, और उसमें आपको देखिए कि आपके जो बुध देव जो शुक्रदेव है आपके जो लगन के स्वामी है वो कहां पर बैठे हैं। D60 में देखिए, D10 के अंदर जाके देखिए, जो दशांशा चार्ट है, दशांशा चार्ट जो वो चार्ट है जहां पर आपको आपके वर्क प्लेस का कर्मों का डिसिप्लिन का पता लगता है, तो D10 के अंदर आप शुक्र की पोजीशन देखिए, वो वहां से आपको पता लगेगा कि आप लेजी क्यों है। और लेजी होने का एक कारण और भी हो सकता है कि छठे भाव में स्लो मूविंग प्लैनेट जैसे शनि देव बैठे हो, राइट, तो वो वहां पर अगर शनि देव छठे भाव में आके बैठ जाते हैं तो इंसान को थोड़ा सा स्लो कर देते हैं, राइट, बिल्कुल उसकी जो डेली रूटीन है उसको मिसमैनेज कर देते हैं, स्लो कर देते हैं। रीना दीदी कह रही है कि वीनस मरकरी सैटर्न इन माई सेकेंड हाउस। देखिए अब जैसे आपने दीदी ये क्वेश्चन पूछा, अब मुझे ये नहीं पता कि सेकेंड हाउस में वो किस नक्षत्र में है, आपने ये नहीं बताया कि वो कौन सी डिग्री में है, आपने ये नहीं बताया कि D9 और D10 चार्ट के अंदर उनकी पोजीशन क्या है, और ना आप बता पाएंगे। सो ये क्वेश्चन ही नहीं बनता है, क्वेश्चन तब बनता है जब पूरा चार्ट मेरे सामने हो। इसलिए मैंने कल भी आपसे कहा था कि आप अगर अपनी कुंडली में एक मुझे लॉजिक बता दीजिए कि मेरे साथ ये हो रहा है तो मैं आपको शायद बता पाऊं कि वो क्यों हो रहा है। लेकिन अगर आप मुझे बोलेंगे मेरा सन और मंगल 4th में है और शनि गुरु 8th में है तो मैं उसका लॉजिक आपको नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मैंने पूरा चार्ट उनके ऊपर किसकी दृष्टि है, वो कितनी डिग्री में है, और उनकी बाकी नेटल चार्ट जो है सब डिविजनल चार्ट के अंदर कौन सी पोजीशन है, जब तक मुझे ये नहीं पता लगेगी मैं आपको कोई स्टेटमेंट नहीं दे पाऊंगा, राइट। तो उन्होंने बुध देव को जो है सबसे पहले अच्छे डिपार्टमेंट दिए। अब यहां पर गुड प्लैनेट्स की कैटेगरी में, राइट, कौन से, टॉरस लग्ना के अंदर जो बुध देव जो है यहां पर सबसे
सबसे पहले जो प्लैनेट अच्छे बने वो बुध देव बने, मरकरी, ठीक है। अब दूसरे जो है शुक्र देव के जो मित्र है वो है शनि देव, तो उन्होंने शनि देव को डिपार्टमेंट उन्होंने दिया भाग्य का और कर्म का। तो उन्होंने बोला कि शनि देव आप मेरे अति मित्र हैं, जाओ आप सबसे पहले भाग्य को जाके कंट्रोल करो उस इंसान के, और साथ में उसका बिजनेस, उसकी जॉब, वो कितना कर्म करेगा, कितना हार्डवर्क करेगा कि नहीं करेगा, ये सारी चीजें आप जाकर देखो। तो उनको दो घर मिले, शनिदेव को 9वें घर की लॉर्डशिप मिली और 10वें घर की लॉर्डशिप मिली। तो गुड प्लैनेट्स में यहां पर जो दूसरे गुड प्लैनेट आए वो आए सैटर्न, शनिदेव, राइट। तो वृषभ लग्न की कुंडली के अंदर योग कारक, योग कारक मतलब द प्लैनेट्स, दे गिव गुड रिजल्ट्स एंड दे हैव बीन गिवन गुड पोजीशंस, यू नो, उनको अच्छे घरों का मालिक बनाया गया है। वो कौन कौन से हैं? एक शुक्र देव खुद है क्योंकि वो मालिक है इस कुंडली के, और उसके बाद बुध देव और शनि देव, जिनको उन्होंने फिक्स एसेट्स, पैसा, आपके बच्चे, रोमांस, आपकी क्रिएटिविटी, आपका भाग्य और आपका कर्म, आपका वर्क प्लेस, इनकी लॉर्डशिप उन्होंने अपने मित्रों को दे दी। अपने मित्रों को देने के बाद उन्होंने कहा कि आप जहां भी बैठेंगे, जहां भी देखेंगे, राइट, आप कोशिश करना कि उस जातक के लिए अच्छा करना। और कभी कभी एक इंसान इतना बदकिस्मत होता है कि वृषभ लग्न की कुंडली में उनके पूरे जीवन में शुक्र की या बुध देव की या शनि देव की दशा ही नहीं आती है। उनके कुंडली में जो 70-80 साल का जन्म होता है उसमें बाकी दशाएं आ जाती हैं, उनमें से एक आधी दशाएं, इनमें से शायद कोई आ जाए तो आ जाए, अदरवाइज दशा ही नहीं आती है। तो वहां पर कुंडली अनलकी हो जाती है, वहां पर जाके कुंडली जो है रिजल्ट नहीं देती है। तो ये आपके कर्मों के हिसाब से होगा। अब शनि देव के, शुक्र देव के जो मित्र नहीं थे उनमें से पहले नंबर पे थे चंद्रमा। अभी राहुल मिनोचा जी कह रहे हैं हाउस इज फिफ्थ बट फिफ्थ पोजीशन फ्रॉम लग्ना, सो सिक्स्थ इज एक्चुअल फॉर बुध, सिक्स्थ इज एक्चुअल फॉर बुध। ही सेज हाउस इज फिफ्थ बट इट्स फिफ्थ पोजीशन फ्रॉम लग्ना, सो हाउस इज सिक्स्थ इन एक्चुअल फॉर बुध। नो नो नो, ये सातवां घर जो छठा घर है ये तो आप देखिए राहुल जी, एक चीज आप याद रखिए, जो हाउसेज है ना ये फिक्स रहेंगे। तो ये पहला घर है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवां घर है। तो ये पांचवां घर हुआ, ये छठा घर है। अब बुध देव को तो पांचवां घर का यहाँ पे मैंने 6 नंबर लिख दिया, तो पांचवें घर के मालिक बुध देव बन गए, दूसरे घर के मालिक बुध देव बन गए, राइट। सो इट इज द सेकेंड हाउस, राइट, राशियां मूव कर रही हैं, हाउस फिक्स्ड है, राइट। सो वीनस इज सन ऑफ भृगु ऋषि, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि शुक्र जो है भृगु ऋषि के जो है बेटे हैं, 100% आपने बिल्कुल सही कहा। और जो शुक्र है वो उन्होंने 12,000 साल जो है भोलेनाथ शिव जी के अंदर रहकर तपस्या की थी और उनको संजीवनी का वरदान मिला था। शुक्र देव अगर चाहें तो किसी मुर्दा को भी जिंदा कर सकते हैं, उनमें इतनी शक्ति है क्योंकि उनको संजीवनी का वरदान जो है प्राप्त है। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, एक स्टोरी और भी है लेकिन आपको सुन के थोड़ा अजीब लगेगा, कि जो शुक्रदेव है उनकी एक आंख नहीं है, वो एक आंख से मतलब काने हैं, जैसे काना इंसान होता है जिनकी एक आंख नहीं होती, तो शुक्रदेव की एक आंख नहीं है। इसके पीछे पूरी स्टोरी है, वो आपको मैं 100% किस दिन समझाऊंगा, और उस चीज का कुंडली के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ता है। और उस एक आंख को पता है किसने लिया है? शनिदेव ने लिया है। इसीलिए जो आप उल्टे सीधे कर्म शुक्र की आड़ में करते हो, जैसे फीमेल, वाइन, वुमेन, वेल्थ, जो आप यू नो एक गलत तरीके से इनको अपनी लाइफ में यूज करते हो, तो शुक्र की वो एक आंख शनि के पास है और उसके जो पाप के भागीदार बनते हैं, वो जो एक नेगेटिव आप कर्म करते हो उसका जो रिजल्ट है आपको शनिदेव की वजह से भुगतना पड़ता है। और 90% शनिदेव कोशिश करते हैं कि उस जातक को उसी जन्म के अंदर उन दुखों की प्राप्ति हो।
जहां पर उन्होंने अपनी कोई गलती की होती है। तो इसका लॉजिक मैं शुक्र के बारे में जब अपनी सीरीज शुरू करूंगा, क्योंकि ये 12 लग्न कंप्लीट करने के बाद मैंने एक एक प्लेनेट के ऊपर एक एक घंटा आपके साथ बोलना है कि सूर्यदेव क्या है, चंद्रदेव क्या है, मंगल क्या है, शुक्र क्या है, बुध क्या है, बृहस्पति क्या है, तो उनमें ये सारी स्टोरीज आपके साथ शेयर करूंगा, तो आपको पता लग जाएगा कि आपको अपना जीवन किस प्रकार जो है आपको आगे लेके जाना है। नितिका इज सेइंग यू एक्सप्लेन डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट विद सच अ सिंपलिसिटी। थैंक यू नितिका, एंड आई फील ऑब्लाइज बिकॉज यू नो गेटिंग सच कॉमेंट फ्रॉम वाइफ इज एक्चुअली यू नो मर्सी ऑफ गॉड। सो ये भगवान की दया भी है, लेकिन यू नो ये रियलिटी है, क्योंकि मेरे को उससे ज्यादा शायद कोई नहीं जानता होगा कि नवनीत क्या है, क्योंकि मैं बाहर से अंदर से हर तरह से वो मुझे जानती है। तो अगर वो ये कमेंट कर रही है तो मैं मानने को तैयार हूं। तो इसमें एक चीज और मैं आपको समझाना चाहूंगा कि यहां पर चंद्रमा जो है वो मित्र नहीं है शुक्र देव के, तो उन्होंने सबसे पहले उनको बोला कि चलो चंद्रदेव आ जाओ, तीसरे घर के मालिक बनो, आपको मैं संघर्ष का डिपार्टमेंट दे रहा हूं, राइट। तो आपने ये देखना है कि फालतू में मेहनत आप कितनी करवाएंगे इस जातक से। वो मेहनत जिसका कोई रिजल्ट ना हो जीवन में, वो भी चंद्रमा देखेंगे वृषभ लगन की कुंडली के अंदर, कि कभी कभी जीवन में इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, उसके रिजल्ट नहीं मिलते। तो आप चंद्रमा की पोजीशन देखिए, वहां पर वृषभ लगन की कुंडली के अंदर कहीं चंद्रमा ऐसी पोजीशन पे तो नहीं है जहां पर उनको बहुत ज्यादा इंसान को संघर्ष करवा रहे हो, मेहनत करवा रहे हो। उसके बाद वो बारी आई मंगल देव की। मंगल देव जो है इस कुंडली के अंदर जो है वो बैड प्लैनेट्स के रूप में आए, क्योंकि मंगल देव को भी उन्होंने 12वें घर का, 12th हाउस का और 7वें घर का लॉर्ड बना दिया। उन्होंने कहा कि ये आप इनकी विवाह शादी का ध्यान रखें, अगर टॉरस लगन वालों की कुंडली में मंगल खराब हो तो उन लोगों का जो विवाह है वो खराब हो जाता है, उनके एक्सपेंस जो अपने हाथ से निकल जाते हैं, उनके जो जेल, हॉस्पिटलाइजेशन, जो असाइलम, जो अकेला रहना है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है लाइफ के अंदर, अगर कुंडली के अंदर वृषभ लग्न की कुंडली के अंदर मंगल खराब हो। तो ऋचा, मिसेस रुथरा जी कह रही हैं कि वेल सेड, थैंक यू ऋचा जी, आप भी मेरी बहन है तो आप भी मुझे बहुत डिटेल में जानती हैं, क्योंकि मैंने अपने बचपन के 25, कम से कम 25 साल आपकी गोद में गुजारे हैं, आपने माँ की तरह मुझे पाला है, तो इसीलिए जब भी मेरे पास आप आती हैं मेरे यू नो फेसबुक लाइव पे, तो मैं आपको हमेशा चरण वंदना करता हूं, क्योंकि बड़ी बहन में और माँ में कोई फर्क नहीं होता है, क्योंकि इस दुनिया से माँ बाप का जो साया है वो कभी भी उठ सकता है इंसान के। तो आपने पहले भी मेरी माँ का रोल निभाया और आने वाले फ्यूचर में भी मेरे हर सुख दुख में आप मेरी माँ की तरह ही मेरे साथ खड़ी होंगी। तो अब आगे हम बढ़ते हैं। इसमें तो हम बात कर रहे थे कि मंगल देव को उन्होंने 7th हाउस का जो है वो डिपार्टमेंट दे दिया, और यहाँ पर चंद्रदेव को उन्होंने 3rd हाउस का डिपार्टमेंट दे दिया, और यहाँ पर मंगल को 12वें घर का दे दिया। तो मार्स जो है, मंगल जो है, यहाँ पर वृषभ लग्न की कुंडली में मारक कहलाए जाएंगे, क्योंकि एक तो भी 7th हाउस के लॉर्ड हैं, दूसरे 12वें घर के हैं। तो अगर ये मृत्यु अगर किसी को नहीं देंगे तो एटलीस्ट मृत्यु तुले दुख जो है कि इक्वल टू डेथ, राइट। ऐसे दुख जो है वो मंगल देने के लिए विवश हो जाते हैं, क्योंकि उनको पोजीशन ही ऐसी मिली है। और इसके साथ साथ मैं बताना चाहूंगा कि अगर मंगल देव की पोजीशन, दो इनको मालिक बनाया गया 7वें और 12वें का, अगर वो कहीं पर भाग्य स्थान में आके बैठ जाएं, राइट, और भाग्य स्थान में आके उच्च के हो जाएं, देखिए 10 नंबर में मंगल उच्च होते हैं ना, तो अगर यहां पर आकर मंगल बैठ गए तो यही जो रिजल्ट है उनके सारे के सारे ऑपोजिट हो जाएंगे, क्योंकि भगवान ये चाहता है कि मंगल तो मारक है लेकिन इस आदमी ने पिछले जन्म में, ये इस औरत ने पिछले जन्म में कोई बुरे कर्म नहीं किए, तो मंगल देव मैं आपको रोक रहा हूं कि इस इंसान के जीवन में कुछ भी गलत मत होने देना, जाओ उसके भाग्य में जाके बैठ जाओ और उच्च के हो जाओ। और आपकी दशा भी तब आएगी जब ये इंसान अपनी लाइफ में पीक पे होगा, 25 साल के आसपास की उम्र में अपनी दशा ले आना, और 25 से लेकर 7 साल की दशा होती है, 32 साल तक इसको जीवन में इतना दे देना, इतना दे देना कि सारी जिंदगी के लिए इसके लिए इनफ हो। इसको अच्छी बीवी दे देना,
दो बच्चे बेटा और बेटी दे देना और इतना धन दे देना कि इसकी लाइफ कंप्लीट हो जाए। स्पोर्ट्स पर्सन देखे आपने, 23-24 साल की उम्र में भारत के लिए खेलना शुरू किया, 30-32-34 साल में रिटायर हुए और सब कुछ जीवन में मिल गया। वहां पर आपकी कुंडली चाहे वृषभ लग्न की कुंडली हो और मंगल उसमें मारक हो, लेकिन परमात्मा ने बोला कि जाओ उच्चकर होकर बैठो उसके भाग्य में और वहां जाकर रिजल्ट दो। आज आपको ये पता लग गया होगा कि परमात्मा ने, ऋषि पराशरा ने क्यों मंगल को 10वीं राशि में उच्चका किया, वृषभ लग्न की कुंडलियों के लिए। अगर मंगल खराब है तो बोले कोई बात नहीं बेटा, आप जाकर यहां बैठ जाओ, और अगर चंद्रमा खराब है तो जाओ उसके लग्न में जाकर बैठो और उच्च के हो जाओ और उसको इतना स्ट्रॉन्ग कर दो कि वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स अपनी लाइफ की खत्म कर दें। और यही खराब होने वाले चंद्रमा जब इस इंसान के लग्न में आकर उच्च के होके बैठ गए तो जीवन में बहुत सी प्रॉब्लम जो है हर लेते हैं। तो देखिए लॉजिक अप्लाई करना पड़ेगा, सिर्फ कुंडली में चंद्रमा वृषभ को देख रही चंद्रमा हमेशा खराब ही रिजल्ट देंगे ऐसा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। वो अच्छे रिजल्ट्स देने के लिए बाध्य भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि उनको पोजीशन कौन सी मिली। दो ये मालिक जरूर है संघर्ष के, लेकिन लगन में उच्च के हुए आकर। तो यही ज्योतिष है, यही ज्योतिष की ब्यूटी है कि जैसे मैं आपको एक राज की बात बताऊं, हर इंसान अपनी कुंडली में जब मेरे पास आता है उसको पता होता है कि उसका प्लेनेट खराब है, उसकी दशा खराब है, क्योंकि ज्योतिषियों ने उसको इतना डरा के, इतना धमका के भेजा होता है कि वो कहता कि मेरी शनि की दशा चल रही थी, मेरा शनि बड़ा खराब है। लेकिन उसके मन में एक इच्छा होती है कि शायद मुझे कोई ऐसा एस्ट्रोलॉजर मिले, शायद मुझे कोई ऐसा ज्योतिषी मिले जो उस नेगेटिव में से भी कुछ पॉजिटिव ढूंढ के मुझे जीने का रास्ता दिखा दे, कोई मार्गदर्शन दिखा दे, मेरा इस दुनिया में रियल पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस, मैं क्यों इस जन्म लेकर इस दुनिया में आया, मुझे कोई वो बता दे तो शायद मैं उस कार्य में लग जाऊं, राइट। तो वो कोशिश रहती है हर एक बंदे की, और मैं भी उसी तरह सोचता हूं, मैं भी उसी इंसान की तरह सोचता हूं कि काश इस इंसान को कौन सा मैं ऐसा योग बताऊं जिससे ये जीवन के इस भव सागर में से ये पार हो जाए, उस नेगेटिव प्लेनेट में से कौन सी ऐसी पॉजिटिव चीज ढूंढूं जो उस इंसान की जिंदगी बदल दे। तो ये चीज मेरी हमेशा की हमेशा कोशिश रहती है, क्योंकि आई ट्राई टू एम्पथाइज, मैं ये सोचता हूं उसके उसके पांव में, उसके चप्पल में पांव डालकर देखता हूं कि क्योंकि वो भी उसी एक्सपेक्टेशन से आया है और मैं भी उसी एक्सपेक्टेशन से उस जातक की कुंडली देखना शुरू करता हूं। एक बार मेरे पास एक क्लाइंट आए तो उन्होंने मुझे बताया कि एक क्लाइंट मेरे पास आए, उन्होंने मुझे कहा कि लेडीज थी दो, उन्होंने मुझे कहा कि नवनीत भैया हमारी कुंडली में ना राहु केतु का जो है काल सर्प दोष है, तो आप मेरी वीडियो जाके देखिए, काल सर्प दोष होता ही नहीं है, किसी शास्त्र में विराजमान ही नहीं है काल सर्प दोष। अगर कोई मुझे किसी शास्त्र में काल सर्प दोष के बारे में निकाल के दे दे कि पराशरा हो रहा शास्त्र में ऋषि पराशर ने काल सर्प दोष के बारे में लिखा है कुछ, तो मैं आज के बाद ज्योतिष प्रैक्टिस नहीं करूंगा कभी भी, क्योंकि वो किताबों में लिखा है जो एक इंसान ने लिखी है डराने के लिए, पूजा पाठ करवाने के लिए। तो उस लेडी ने बोला कि नवनीत भैया हमने अपने गहने बेचकर, हमारे पास पूजा के लिए पैसे नहीं थे, 35-40 हजार रुपया हमारे पंडित जी हैं वो हमसे मांग रहे थे काल सर्प दोष की पूजा के लिए, तो मैंने 35-40 हजार रुपया कहीं से गहने बेचकर इकट्ठा किया, क्योंकि उन्होंने हमें इतना डरा दिया लाइफ के अंदर कि मैं आपको क्या बताऊं। मैं सीधी जूलर के पास गई, मैंने गहने बेचे और उनको पूजा के लिए पैसे दिए, लेकिन पूजा करवाने के बावजूद हमें कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो आप सोचिए कि कैसा व्यापार, कैसा बिजनेस है, और कैसा किस प्रकार लोगों को डराया और बताया जाता है कि आप ऐसा करें और ऐसा ना करें। सो ये एक चीज है जिससे आपको मैं बचाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आप इतने समक्ष हो जाएं कि आप एटलीस्ट किसी के हाथ पागल ना बने या किसी प्रकार की पूजा के चक्कर में आप ना आए। तो ये मेरा एक कोशिश है, आपको फिर भी ज्योतिषियों की जरूरत पड़ेगी मैं जानता हूं, आपको एस्ट्रोलॉजर्स की जरूरत पड़ेगी मार्गदर्शन के लिए, लेकिन मेरी क्लासेस लेने का जो सबसे बड़ा मोटिव है वो ये है कि आप किसी से पागल ना बने, कोई आपको मूर्ख ना बनाए, एटलीस्ट आपको बेसिक नॉलेज हो और आप समझ सकें कि जैसे एक डॉक्टर दवाई लिखता है और वो कहता है कि ये मेडिसिन, तो आपको अगर सॉल्ट पता हो तो आपको थोड़ा ज्यादा डिटेल होता है कि क्यों कौन सा सॉल्ट इसमें है और किस वजह से ये दवाई हमें मिल रही है। मेरा जो
कार्य है वो यही है आपको कहने के लिए, यही है आपको बताने के लिए कि आप पागल ना बने, आपको नॉलेज हो, ज्ञान हो। मैं 100% श्योरिटी से कहता हूं कि आपको 100% नॉलेज नहीं आएगी, ना मैं 100% हूं, क्योंकि आज भी सीख रहा हूं, आज भी उसको सीखने की कोशिश कर रहा हूं, राइट। तो इसमें सूर्य देव को सम प्लैनेट्स बताया गया, न्यूट्रल। जैसे मंगल देव ने शनि को न्यूट्रल रखा था ना, क्योंकि एक प्लैनेट ऐसा जरूर होता है कुंडली में जिसको न्यूट्रल रखना पड़ता है। न्यूट्रल प्लैनेट, सम प्लैनेट कौन सा होता है? जो लगन का दुश्मन हो लेकिन उसे अच्छा घर मिला हुआ हो। आई विल रिपीट, न्यूट्रल प्लैनेट, सम प्लैनेट कौन सा होता है? लगन का ओपोजिट पार्टी, मतलब दुश्मन भी कह सकते हैं, ओपोजिट पार्टी, और उनको डिपार्टमेंट अच्छा दिया हो। तो इन्होंने, शुक्र देवता ने सूर्य देव को कहा कि आप कंफर्ट, घर, लग्जरी, माता, नरिशमेंट, सेंटिमेंटल, उसकी 10वीं 12वीं तक की क्वालिफिकेशन आप जाके संभाल लो, आपको देते हैं, मैं आपको सम बनाता हूं, मेरी आपसे मित्रता नहीं है, परंतु मैं आपको फिर भी अच्छा डिपार्टमेंट देता हूं, क्योंकि तुम्हारे मित्र मंगल ने मेष राशि में मेरे अति मित्र शनि देव को अच्छा डिपार्टमेंट दिया था, सम बनाया था, तो मेरा भी अब वक्त आ गया है आपको कुछ देने का। जाओ, आपको सम बनाया, आपको एक अच्छा डिपार्टमेंट दिया। देखिए, इसी प्रकार सरकार चलती है। अब अगर सरकार होगी और ऑपोजिशन में कोई प्लैनेट नहीं होगा तो सरकार अच्छी तरह से काम नहीं करेगी, वही कुंडलियों में होता है। और उसको बाद गुरु को उन्होंने मृत्यु का कारण बनाया कि 8th हाउस में गुरु जुपिटर जो है उनको बोला कि जाओ, आप इंसान की मृत्यु, एक्सीडेंट, अनप्रिडिक्टेबल चीजें जो लाइफ में होती हैं, हिडन चीजें जो उसके सामने आएंगी, टेंशन, हाइपर टेंशन, राइट। और जो जैसे बवासीर वगैरह पाइल्स होती है उसके जो रोग है, क्योंकि ये एरिया जो होता है रेक्टम का एरिया होता है, राइट। सो रेक्टम एरिया, टॉयलेट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो 8th हाउस अगर खराब हो तो आती हैं। तो बृहस्पति को वो डिपार्टमेंट दे दिया क्योंकि वो भी गुरु थे, लेकिन उसके साथ साथ अब वो गुरु थे तो गुरु की तो इज्जत रखनी पड़नी है, क्योंकि ये खुद गुरु है, ये भी गुरु है, तो उनको एक और डिपार्टमेंट दिया धन का कि देखो गुरुदेव, आपको मुझे एक डिपार्टमेंट तो मैंने गलत आपको दिया है, क्योंकि आपने भी मुझे मारक बनाया था मेष लगन की कुंडली के अंदर, सातवें घर के लॉर्ड बनाए थे, और अब यहां पर मैं आपको एक घर, मैंने आपको आठवां दे दिया, लेकिन साथ साथ मैं आपको उस इंसान की जो प्रॉफिट होगा, जो प्रॉफिट इनकम, आपके जो बड़े भाई बहन हैं वो 11वें भाव से देखे जाते हैं, आपके जो समाज है, आपका FB पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कितने व्यूज आएंगे आपके, वो सारा डिपार्टमेंट मैं गुरु को देता हूँ। क्योंकि 11वें भाव से आप अपने पब्लिक रिलेशंस को भी देख सकते हो, जब आप एक पोस्ट डालते हो ना और आप बड़ी एक्सपेक्टेशन से एक पोस्ट डालते हो और उसमें लाइक आते हैं 70 और आपने एक्सपेक्ट किए होते हैं 700, तो वो भी आपका 11वां भाव ही होता है, क्योंकि 11वां भाव कहीं ना कहीं वो अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा होता है। तो इसलिए मतलब इतने इतने माइन्यूट लेवल पे भी हम ज्योतिष को लेके जा सकते हैं, जाना नहीं चाहिए, ज्योतिष को यूज नहीं करना चाहिए। मेरे साथ अभी पीछे क्या हुआ कि मेरे कुछ क्लाइंट्स थे, उन्होंने क्या किया कि मेरे से IPL की प्रिडिक्शंस लेनी शुरू कर दी कि आप हमें नवनीत बताओ कि आज मुंबई इंडियंस का कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ मैच है, हमें बताओ कौन जीतेगा। तो मैंने उनको ये जवाब दिया कि मेरा ज्योतिष इतना इतना इतने नीचे लेवल पे आप ज्योतिष को मत लेकर आइए, मुझे आप माफ कीजिए, क्योंकि ज्योतिष का जो काम है वो ये है कि आप हम आपके दुखों को बाहर से जो है आपको निकाल सकें उस चीज में से, रेदर देन कि आपके मजे के लिए हम कोई प्रिडिक्शंस करें, वो चीज नहीं करनी चाहिए। और किसी जो जितने भी एस्ट्रोलॉजर इस समय मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसी बदतमीजी आप अपने जीवन में मत करें, क्योंकि आपकी लाइफ टोटली खराब हो सकती है, क्योंकि ज्योतिष एक ऐसा ज्ञान है जो दो दूसरों के दुख काटने के लिए, उनको मार्गदर्शन करने के लिए जो है उसका जन्म पैदा हुआ है, ना कि मैचेस की प्रिडिक्शन करने के लिए। तो मैं थोड़े स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज कर रहा हूं, हो सके तो मुझे क्षमा करना, लेकिन ये कहना बहुत जरूरी है। तो नीरज जी कह रहे हैं, सर डज एनी जातक बॉर्न इन टॉरस लग्ना फर्स्ट फेसेस वीनस दशा फॉर 20 ईयर्स एंड देन आफ्टर सन एंड फॉलो दशा सीक्वेंस? नो, नॉट नेसेसरी। दशा स्टार्ट होगी चंद्रमा के नक्षत्र से। मैंने आपको नीरज जी उस दिन भी बताया था कि दशा हमेशा स्टार्ट होती है कि चंद्रमा जिस नक्षत्र में है
और जिस पदा में है उतना बैलेंस रह जाता है उस दशा का, और उस नक्षत्र का जो लॉर्ड होता है वहां से दशा शुरू होती है। तो दशा जो शुरू होगी वो लग्न डिसाइड नहीं करता, वो चंद्रमा डिसाइड करता है हर एक की कुंडली के अंदर, कि चंद्रमा जो जिन्होंने प्राण दिए हैं आपको, जो माँ है वो डिसाइड करती है कि दशा कहाँ से शुरू होगी। तो शुक्र देव डिसाइड नहीं करेंगे, और जरूरी नहीं है कि उनकी दशा जो है टॉरस वालों की शुक्र से ही स्टार्ट हो। अगर हो जाए तो बात अलग है, लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी, इट्स नॉट द रूल, ये रूल नहीं है, राइट। यहाँ पर आशीष जी कह रहे हैं वेल सेड, चरण जी जी कह रहे हैं गुड थिंकिंग सर, थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ पर जो बैड प्लैनेट और बने वो बृहस्पति देव बने, क्योंकि इनको 8वें और 11वें घर का डिपार्टमेंट मिला है, तो 11वें घर के अंदर जरूर वो प्रॉफिट का, आपकी लिक्विड मनी का ध्यान रखेंगे, और आपको कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा आपको जो है धन दे सके। तो आज जो है टॉरस लग्न की कुंडली में आपको ये तो पता लग गया कि योग कारक प्लैनेट कौन से हैं, मारक प्लैनेट कौन से हैं, और सम कौन से हैं। सो जो गुड प्लैनेट्स हैं उनको मैं योग कारक कहूंगा, कि योग कारक प्लैनेट अगर अच्छी जगह पर बैठे हों तो जो एक रंक है उसको भी राजा बना सकते हैं, और अगर जो बैड प्लैनेट्स हैं अगर वो बैड पोजीशंस पे हों तो एक राजा को भी रंक बना सकते हैं। और अगर इसका ऑपोजिट भी है, अगर योग कारक प्लैनेट को अच्छी जगह पे बिठाया है तो सीधा सीधा देखकर हमें ये मारक प्लैनेट्स को, बैड प्लैनेट्स को अगर अच्छी जगह बिठाया है तो हमें देखकर ये पता लग जाता है कि इस इंसान के पिछले जन्मों में कर्म अच्छे थे, वो इस जन्म में सुख भोगेगा। बैड प्लैनेट्स को भी अच्छी पोजीशन दे दी भगवान ने, बैड प्लैनेट्स को भी एक अच्छी जगह पर ले आए। तो ये वृषभ लगन की कुंडली थी। आपको घर पे होमवर्क करना होगा, कुंडलियां देखनी होंगी। मेरे पहले आज ये अप्रोक्सीमेटली 9th लेक्चर है मेरा, तो 9th लेक्चर में 8 लेक्चर और मैंने दे दिए हैं, प्लीज उनको बार बार सुनिए। YouTube पे आप जाकर देखिए, वो परमानेंटली सेव कर दिए हैं, आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी थोड़े दिनों में। तो बस प्लेलिस्ट पे जाइएगा, जौन सा मर्जी लेक्चर उठाइए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। 25-30 लेक्चर में मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि 40 से 50%, मैं रियलिस्टिक प्रॉमिस करूंगा, कोई हवा में प्रॉमिस नहीं करूंगा, 40 to 50% आपको अपनी कुंडली और दशा को एनालाइज करना आ जाएगा, और आप खुद अपना थोड़ा बहुत जो है इलाज उपाय जो है आप 100% कर पाएंगे। और देखिए, मैं जब फेसबुक पे जाता हूँ तो मैं देखता हूँ 6 या 7 शेयर होते हैं। देखिए भैया, मैंने आपसे एक पहले प्रॉमिस मांगा था कि मुझे एक गुरु दक्षिणा देना, कि मेरी वीडियो को आप शेयर करना। शेयर करने का मेरा लालच क्या है कि देखो इतनी मेहनत कर रहा हूं, आप भी मेहनत कर रहे हैं, तो अगर हम दोनों मिलकर कुछ और लोगों का भी फायदा कर सकें। सिर्फ मेरी उसके पीछे इतनी टेंशन है, फेसबुक में शेयर करने से मुझे पैसे नहीं मिलते हैं, राइट। तो वो चीज मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा, आप उसको जितना शेयर करेंगे, जितना लोगों में बांटेंगे इस ज्ञान को, उतना आपका भी ज्ञान बढ़ेगा। तो यहीं पर मैं इस लेक्चर की आज समाप्ति करता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। कल फिर मैं आगे एक टॉपिक लेकर आऊंगा, कोई नई खोज नई दृष्टि से आपको सिखाऊंगा। टिल देन, हरे कृष्णा, धन्यवाद।